हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आज हम उन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो रूल्स पे बेस्ड वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा आसानी। तो आज हम बात करेंगे पहले और दूसरे रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं पहले रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस की। पहला रूल कह लो या पहला टाइप कह लो। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, जिसको हमें इक्वल टू दिखाना है cos थीटा प्लस sin थीटा के। ठीक, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज फॉलो करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। अब पहले रूल या पहला टाइप कह लो, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में ये ट्राई करते हैं देखने के लिए कि क्या हम उसको साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास टैन थीटा है नीचे और यहाँ पे कॉट थीटा है नीचे। हम टैन और कॉट को दोनों को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमने यही किया, तो कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा की जगह हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट की जगह लिख लिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब अगले स्टेप में हमने जो नीचे हमारे पास टर्म बनी थी उसका हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो ये टर्म बन गई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और ये जो ऊपर वाला कॉस है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली ये दूसरी वाली टर्म में ऊपर वाला जो साइन है वो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाली जो टर्म है उसका एलसीएम ले लिया तो वो एलसीएम लेने के बाद बन गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इस टर्म को रीअरेंज करेंगे तो ये कॉस थीटा ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, और सिमिलरली ये वाला नीचे वाला साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टर्म अब बन गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम इस टर्म को ढंग से देखें तो हमें इसका जो नीचे वाली टर्म है वो एक जैसी दिख रही है दोनों में। ठीक है, इसमें भी कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक, बस फर्क इतना है कि इन दोनों के साइन अपोजिट है एक दूसरे के। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी टर्म है उसमें से माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर वो एग्जैक्टली इस टर्म के जैसी हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया, जो यहां दूसरी वाली टर्म थी नीचे उससे हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, अब ये वाली टर्म एग्जैक्टली पहले वाली टर्म के जैसे हो गई। ठीक, तो यहां पे ये टर्म बन गई अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इससे क्या हुआ, हमारे पास दोनों टर्म का एलसीएम सेम हो गया। ठीक, तो अब दोनों का एलसीएम हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको ऐसे ही एक ही बार लिखेंगे। ठीक, और ऊपर अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली टर्म्स को डायरेक्टली ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये एक्सप्रेशन हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और ये आइडेंटिटी होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a हो गया cos थीटा, b हो गया sin थीटा, तो यहाँ पे लिख लिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में जो टर्म यहाँ पहले से लिखी थी cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा है उससे जो ऊपर वाला ये cos थीटा माइनस साइन थीटा वो कैंसिल हो जाएगा और टर्म बचेगी हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल टू लिख लेंगे RHS। ठीक, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो अब बात करते हैं जो दूसरा रूल हमने डिस्कस किया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कई क्वेश्चंस में पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि है cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम इसकी टर्म्स को साइन cos की टर्म्स में ले आए,
तो यहाँ पे कोसेक को हम साइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक को भी हम कॉस में लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने इन दोनों को चेंज कर दिया, यहाँ पे कोसेक को हमने 1/sin लिख लिया, बाकी साइन वाली टर्म को ऐसे ही रहने दिया उसमें, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पे जो sec है उसको चेंज करके 1/cos लिख लिया, बाकी जो cos है वो टर्म को ऐसे ही रहने दिए। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया 1/sin a - sin a इंटू में 1/cos a - cos a। तो अब फर्दर इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर साइन के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे cos के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो इन दोनों का एलसीएम साइन ही आ गया, इन दोनों का अगर एलसीएम साइन ही आ गया तो इधर ये मल्टीप्लाई साइन ए से हो गया, तो ये टर्म बन गई 1 - sin² a / sin a। सिमिलरली ये वाली टर्म बन गई 1 - cos² a / cos a, ठीक। अब अगर हमें आइडेंटिटी याद हो तो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती थी sin²θ + cos²θ = 1, तो वहां से हम 1 - sin² a को cos² a लिख सकते हैं, और इसी टाइप से 1 - cos² a को sin² a लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये वाली टर्म रिड्यूस होके हो गई cos² a - sin² a / sin a - cos a, ठीक। और एक cos से cos कैंसिल हो गया, एक sin से एक sin कैंसिल हो गई, ठीक। तो ये टर्म अब फर्दर रिड्यूस होके हो गई cos a - sin a, ठीक। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन या वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसी के इक्वल दिखाएंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे इस एक्सप्रेशन का, तो राइट हैंड साइड है 1/tan a + cot a, ठीक। तो अब हमें जैसा दिख रहा है कि tan a और cot a की टर्म्स में ये टर्म, तो हम क्या करेंगे इसको पहले साइन और कॉस की टर्म्स में लेके आएंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, 1/tan a को लिख लिया sin a / cos a प्लस cot को लिख लिया cos a / sin a, ठीक। तो अब इन दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो नीचे इसमें cos a है, इसमें sin a, तो यहाँ पर sin a नहीं है इस टर्म के पास, तो यहाँ sin a से मल्टीप्लाई हो गई इसकी, और इस वाली टर्म के पास नीचे cos a नहीं है तो इस वाली टर्म की cos a से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। तो एलसीएम हो गया cos a - sin a, ठीक। और फिर उसके अकॉर्डिंग इस टर्म की मल्टीप्लाई हो गई sin से, और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई हो गई cos से, ठीक। तो ये वाली टर्म अब रिड्यूस होके हो गई 1/sin² a + cos² a / cos a - sin a, ठीक है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा cos a - sin a / sin² a + cos² a, और हमें पता है कि sin² a + cos² a आइडेंटिटी होती है जो कि इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया cos a - sin a / 1, और इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं cos a - sin a, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक। तो आई होप जो रूल्स और क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आया होंगे, और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।